दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी टाइम पे। तो आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है सबसे अच्छा पेड़। कहानी शुरू करने से पहले हम आपको पेड़ों के गुण बताना चाहेंगे। पेड़ हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। हम ऑक्सीजन उनसे लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ वही कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो चलिए, इस बार पेड़ हमारे ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। अगर वो ना रहे तो हमारा जीना संभव नहीं है। तो चलिए आज हम एक स्टोरी पढ़ते हैं जिसका नाम है सबसे अच्छा पेड़। तो चलिए शुरू करते हैं। तीन भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम से पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे, और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर लेंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे, वे आगे चले गए। चलते चलते उन्हें एक केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरता, टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले के एक एक पत्ता काट लिया। उसने सोए साए से उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुकी। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले के पत्ता चीरा, उनके एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों भर पेट खाना खाया। इसके बाद एक केले का भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा, केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनसे पैसा हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वही अपना झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। बड़े लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसे प्यास लगी है। तब एक नारियल का जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर 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 कर नारियल की जटाएँ साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में एक छोटा सा छेद किया और उसकी ठंडी मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छांव। तीसरे भाई ने उसी छांव में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ तो बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केले खाने में भी अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ होता तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ, और पेड़ मुझे ठंडी छांव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तेल में एक प्याला रख देता। पेड़ की दुधिया रस मैं प्याले
में भर लेता, रस को पका कर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ मैं बेच देता, रबड़ से गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेता। अच्छा, पेड़ की क्या कमी है? नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काट कर मैं मोटा डोरी बना सकता हूँ और डोरियों से मजबूत चटाई भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को शहर में बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पेड़ का पानी भी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गिरी खा सकता हूँ और कुछ गिरी सुखा कर खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपड़े को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले के तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने में काम आती है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए यह पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊँगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तेल अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? इसको लिखने वाले जे भारदा हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद और अलविदा।